हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए क्या न्यूज़ है यहाँ पे, मैं इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया टू लॉन्च मेट्स माइग्रेशन स्कीम फॉर इंडियंस फ्रॉम नवंबर 1। देखिए डेट आ चुकी है 1 नवंबर 2024 से। जो मेट्स वीज़ा जो हम लोग वेट कर रहे थे, जिसका फुल फॉर्म है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, जो हम वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, वो आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखिएगा, ठीक है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ फ्रेंड्स फिर से। ये देखिए यहाँ पे जो आ रहा था, ये देखिए, ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ अगर आप इसको ब्लू में देखेंगे तो यहाँ मैंने फुल फॉर्म इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इस पर बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं डॉक्यूमेंट्स और उसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन इस चीज़ को बस दो चीज़ें याद रखिए कि 3,000 सीट्स ही हैं इसमें इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए, ठीक है, और 1 नवंबर 2024 को आने वाला है। सो फ्रेंड्स, द डे वी ऑल वर वेटिंग फॉर इज सून गोइंग टू बी अ रियलिटी। नवंबर 1, 2024, द मेट्स प्रोग्राम विच वॉज सपोज टू बी लॉन्च्ड लास्ट ईयर इज नाउ बींग लॉन्च्ड। ओके, सो ऑल ऑफ यू पीपल हु आर ईगली इंटरेस्टेड टू अप्लाई कैन अप्लाई एंड दे कैन सी माई यूट्यूब वीडियोज। एनी डाउट यू कैन कम बैक टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर फॉर गाइडेंस। ठीक है फ्रेंड, तब देखिए यहाँ पे जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपका जो IELTS स्कोर है वो भी मांगा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 2 साल पहले, 2 ईयर्स प्रायर टू नवंबर 1, 2024, यू शुड बी ग्रेजुएटिंग। ठीक है, अगर आप उसके पहले हुए हैं तो आपका नहीं होगा, बैचलर्स डिग्री मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखिए, अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसको खोल के मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो इसमें देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये यहाँ पे पूरी क्लियर की गई है। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, एज 30 और यंगर होनी चाहिए। ठीक है, पहले कभी मेट्स, तो ये तो क्वेश्चन उठता ही नहीं, पहली बार हो रहा है। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया उसका स्कोर देखिए यहाँ पे कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साल पहले। ठीक है, कौन कौन सी आपकी डिग्री है जो मायने रखेगी, ये केवल और केवल ये रिन्यूएबल माइनिंग, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। अगर आप इनमें से हैं तो अप्लाई करिए, अगर नहीं है तो अप्लाई मत करिएगा, फिर कोई उसमें आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, स्पॉन्सरशिप आपको ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉय से लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद परमिटेड एक्टिविटीज़ क्या क्या है, आप 2 साल तक रह सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये वीज़ा एक्सटेंडेबल नहीं है, आपको किसी दूसरी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 3,000 इसमें केवल सीट है। ठीक है, फैमिली आप पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू ब्रिंग डिपेंडेंट्स, आप फैमिली लेके आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ये। ठीक है, वीज़ा होल्डर्स विल हैव 12 मंथ्स टू मेक देयर फर्स्ट एंट्री, मतलब एक बार आपको वीज़ा मिल गया आप 1 साल के अंदर अंदर वहाँ पहुँच सकते हैं और मैक्सिमम 2 साल तक रह सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मेट्स पार्टिसिपेंट्स आर नॉट एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द स्कीम मोर देन वंस, एक ही बार आप ले सकते हैं। वीज़ा का कॉस्ट वो सभी बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए लेट 2024 एप्लीकेशन नवंबर 1 से शुरू होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसके रेडी हो जाइए। अगर आप लोगों ने अपनी चीज़ें अभी रेडी नहीं किया तो रेडी कर लीजिए, क्योंकि मेट्स वीज़ा अभी 1 नवंबर से, फ्रॉम 1 नवंबर इट इज़ गोइंग टू बी अ रियलिटी। सो प्लीज़ सेंड एन ईमेल, वॉच माई वीडियोज़। एनी डाउट यू कैन कम बैक टू मी फॉर गाइडेंस, आई कैन गाइड यू हाउ टू मेक अ फाइल, एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस, एंड अपना एजेंट खुद बनिए।